नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र, जो कि एक्साइटिंग वीडियो, नया वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट का लेके आ गया है। बहुत सारी नॉलेज मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं और आज भी शेयर करने आया हूं। इस वीडियो का मेन मकसद है कि मुझे आज जो सर्जरी हुई है वो दिखाना है और कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए भी, आपके लिए भी वो नॉलेज। ये दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आज मैं आपको वो सर्जरी दिखाने वाला हूँ। पेशेंट खुद बताने वाले हैं अपनी सर्जरी कैसी हुई है, उनको क्या क्या लगा है और क्या क्या चीज़ें मिली है उनको जाने के बाद। बातें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप खुद ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें सुनना ज़रूरी है कि हम क्या क्या सुविधाएँ देते हैं, क्या क्या होता है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, ये मेरे बिफोर और ये आफ्टर के फ़ोटो हैं, ये दोनों देख लीजिए। मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और उसकी नॉलेज आप लोगों को शेयर करता हूँ। सो हे दोस्तों, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की मैं पूरी डिटेल्स दे दूँ, जो कि आप देखते जाएंगे आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, जो कि सामने आप देख रहे हैं, एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जा रहा है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, जिससे कोई प्रॉब्लम्स या पेन नहीं होते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, इसे बोलते हैं FUE टेक्निक, जो एक एक ग्राफ्ट को निकाला जाता है प्रॉपर जड़ से, जिससे किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा ग्राफ्ट डैमेज नहीं होता। आगे चल के वो प्रॉपर सेफ रहता है। जितना ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ उतने ही ग्राफ्ट लगाया जाता है या निकाला जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत सारी विधि होती है। FUE टेक्निक होती है, FUT टेक्निक होती है, लेकिन इस क्लिनिक में सिर्फ FUE टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत सेफ और बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट हो, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने बोला कि जितने ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ उतना ही ग्राफ्ट निकाला जाता है, जिससे आगे चल के अब अगर ट्रांसप्लांट फिर से करवाना चाहें तो आप फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इसलिए बहुत सेफ तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं। दोस्तों, जो ये टेक्निक दिखा रहा हूँ मैं, इसी को बोलते हैं नीडल टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, उसको फिर से जहाँ आपके बाल नहीं होते हैं वहाँ इम्प्लांट किया जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों नीडल टेक्निक। ये टेक्निक सबसे सेफेस्ट टेक्निक होता है और सबसे हार्ड टेक्निक होता है, जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए सबसे मेहनत वाला टेक्निक होता है। तो दोस्तों, इस टेक्निक से ज़्यादा ज़्यादा डेंसिटी मिलती है और आपका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, यही टेक्निक का उपयोग करवाइए। सो दोस्तों, आते हैं पेशेंट रिव्यू पे। आप पेशेंट रिव्यू सुनिए और बताइए कैसा है। मेरा नाम अक्षय है, मैं सातारा से हूँ। मुझे भूपेंद्र के वीडियो देखकर मुझे पता चला कि ऐसा सर्जरी ट्रांसप्लांट होता है, तब मैंने कॉल किया। जो नंबर उस वीडियो में रहता है उधर मैंने कॉल किया, तो मैडम ने सब प्रोसेस बता दी मुझे, जो भी प्रोसेस थी। तो पहले बुक करनी पड़ती है डेट, आपको पूरा दिन आपके लिए रिजर्व रहता है वो। तो मैंने डेट बुक की, आज डेट थी मेरी। तो पूरा चेकअप किया पहले डॉक्टर ने आके, तो मुझे समझा दिया कि कितने ग्राफ्स लगने वाले हैं, कैसे प्रोसीजर रहती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर ने अच्छे से ट्रांसप्लांट कर दिया है। डरा हुआ तो था मैं पहले भी, क्योंकि ऐसी सर्जरी मैंने, मेरे को कोई सर्जरी अभी तक नहीं हुई थी, तो डरा हुआ था ऑब्वियसली। तो डर कम कर दिया उन्होंने, और कुछ बस 7-8% मेरा मुझे पेन हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं, अच्छे से डेंसिटी दिख रही है मेरी। भूपेंद्र को यही बोलूँगा कि थैंक्स, उसकी वजह से मुझे इस क्लिनिक का पता चल गया है। और जो मैंने बाकी के रेट्स चेक किए, जो बाकी के हॉस्पिटल्स से थे, उससे मतलब बहुत ही कम रेट यहाँ पर है। काम बहुत ही अच्छा है यहाँ के डॉक्टर का, और हंसते खेलते सर्जरी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो गए। हाँ, बहुत हैप्पी हूँ।
सो दोस्तों पेशेंट रिव्यू तो आपने सुन लिया, कमेंट करके बताइएगा कैसा है। दोस्तों मैं बॉलनेस दिखा देता हूँ जिनका ट्रांसप्लांट, जिनका रिव्यू आपने सुना। सामने आप देख सकते हैं दोनों कॉर्नर चले गए हैं, साथ ही साथ जो ऊपर के भी बाल हैं वो पतले हो चुके हैं। हेयरलाइंस कुछ ऐसे डिज़ाइन की गई है जिससे पूरा ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी दी सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी मिल सके, क्योंकि हेयरलाइंस इनके पुराने फेस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं डिज़ाइन जैसा किया गया था उसी पे जिगजैग पैटर्न का उपयोग किया गया है और डेंसिटी में कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि डेंसिटी है दोस्तों तो हेयर ट्रांसप्लांट पूरी सक्सेस है, आपको अच्छा रिजल्ट डैम श्योर है, मिलता ही मिलता है। सामने आप देख सकते हैं जिगजैग पैटर्न का प्रॉपर 6 and 5 mm का यूज़ किया गया है, प्रॉपर जिगजैग पैटर्न दिख रहा होगा। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर ऐसी डेंसिटी आपको मिलती है रिज़ल्ट आना डैम श्योर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये क्लिनिक आपको डेंसिटी में कोई कमी नहीं करके देगी। तो दोस्तों वॉच करते रहिए। तो साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि आपको ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाना है। जी हाँ, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, क्लिनिक डिटेल्स है, इस पर आप कॉल कीजिएगा और मेरे हर वीडियो पे आपको मेरे हर वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा जो कि यही नंबर रहेगा, आपको सिर्फ इसी पे कॉल करना है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट मैसेज दोस्तों, इस क्लिनिक पे आपको मेडिसिन रहने का और खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत एक बेनिफिट का चीज़ है। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।